आप हमेशा सलामत रहें और कोई दिक्कत आपके सर माथे ना आए। इस नोट के साथ मैं विनीत शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ दिक्कतों के बारे में जो कि एक ऑटोमोबाइल ड्राइवर को, कार ड्राइवर को अक्सर फेस करने को मिल सकती है। कार चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। इस इंश्योरेंस के ऊपर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नाम से मैं एक वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा, आप जरूर से देख लीजिएगा। आपको पता लग जाएगा कि इंश्योरेंस आपकी कहां कहां पे मदद करता है अगर आपकी गाड़ी किसी दुर्घटना से होकर गुजरे तो। इस वीडियो के अंदर मैं एक स्पेसिफिक केस ले रहा हूं जहां पे मेरे दोस्त कमेंट करके मुझे कह रहे हैं कि उनकी गाड़ी की दुर्घटना हुई, टक्कर हुई, एक्सीडेंट हुई और उसके बाद सामने वाली पार्टी ने कर दी है FIR, यानी कि पुलिस कंप्लेंट कर दी है रजिस्टर्ड। अब वो क्या कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं सिचुएशन से। देखिए दोस्त, पहले आपको FIR का मतलब समझना पड़ेगा। FIR जब कोई करता है तो आपके ऊपर कोई क्रिमिनल एलिगेशन कर रहा है। ये ऐसा ही है कि मैं मेरे पड़ोसी से लड़ पड़ा किसी बात पे, एक अलग तरह का एक्सीडेंट हो गया, मैंने कोई बॉल मारी उसके लग गई, उसने कहा कि मुझे जान के मारना चाहता है और ऐसा करके मेरे खिलाफ उसने FIR दर्ज कर दी। इसको सॉल्व करने का, सॉर्ट आउट करने का यही तरीका है कि आप या तो बाहर कोई सेटलमेंट कर लो या फिर कोर्ट में जाके इस केस को लड़ो। अब अगर किसी ने ये कह दिया, इसी से सिमिलर है आपकी गाड़ी वाली दुर्घटना भी, अगर सामने वाली पार्टी ने ये कह दिया कि इस बंदे ने मेरे से टक्कर करी, इससे मुझे जान की क्षति हुई, हेल्थ की क्षति हुई या फिर मेरी गाड़ी टूट गई, फूट गई, मुझे इसकी FIR करनी है, इसके खिलाफ कंप्लेन करनी है, तो पहले तो FIR आपको ये समझानी पड़ेगी कि उस FIR में एक्चुअली वो कह क्या रहे हैं। एक तो होता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कि यार इसने जान के मुझे जलते हुए देखा और मुझे मारने के लिए आ गया। यहाँ का केस तो डेफिनेटली आपको एक अच्छे वकील से ही लड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर सामने वाला सिर्फ ये कह रहा है कि गाड़ी चलाते समय एक नेग्लिजेंस के कारण दुर्घटना हो गई, उससे उसको नुकसान हुआ, या फिर नेग्लिजेंस नहीं भी हुआ, एक टक्कर हुई और उससे उसको नुकसान हो गया, इसी कंप्लेन उसने पुलिस में करी, तो आपको डेफिनेटली अधिकार है कि आप भी जाके कोर्ट की मदद लेके, पुलिस की मदद लेके इस केस को सॉल्व करें। मेरी एडवाइस जनरली यही रहती है कि क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ो। अगर आपको लगता है कि आपने गलती करी है, सामने वाले से पूछो कि यार क्या हर्जाना उनका बनता है, उनको उतना हर्जाना भर दो और सॉर्ट आउट कर दो, अगर बहुत ही क्लियर है कि आपने क्या गलती करी है। लेकिन अगर आपकी कोई गलती नहीं थी एज सच, तो आप डेफिनेटली आप भी कंप्लेन कीजिए कोर्ट में। जो भी लीगल फीस इन्वॉल्व होती है, जो भी खर्चा आता है, वो आपके इंश्योरेंस के दायरे में जितना है वो मिल जाएगा सामने वाले पार्टी को। तो इनफैक्ट अगर आपने केस लड़ा, केस लड़ते हुए हो सकता है सरकारी कोर्ट ये फैसला दे कि आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट से 20,000 रुपीज या 1,00,000 रुपया सामने वाली पार्टी को देना पड़ेगा कि आपकी गलती प्रूव हो गई इसलिए आपको देना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन के अंदर भी इंश्योरेंस कंपनी पेचिंग करेगी और जितनी लायबिलिटी है, अगर वो 2,00,000 रुपये 1,00,000 रुपये से ज़्यादा की है, वो कवर कर रहे हैं ऑलरेडी, तो वो इंश्योरेंस कंपनी का हेडेक है, वो पे करेंगे। लेकिन जो केस लड़ना है वो जाना तो आपको खुद को पड़ेगा, वक्त आपका उसमें इन्वॉल्व होएगा, आपको मेंटल हैरेसमेंट होगा, परेशानी भी होगी। बेस्ट तरीका ये है, सामने वाले से बात करो और ट्राई करो कि इसको रिजॉल्व कर लें। पुलिस भी इसमें इंटरवीन कर सकती है, पुलिस की मदद से भी आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर कोर्ट में जाते हैं तो डेफिनेटली आपको लड़ना पड़ेगा, अपना पक्ष भी रखना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी से मदद यही मिलेगी कि कोई लीगल लाइबिलिटीज बन जाती है, अगर आपको खर्चा देना पड़ता है वो कंपनी दे देगी, लेकिन वो उतना ही अमाउंट देगी जितना कि उसके इंश्योरेंस में कवर हो रहा है। अगर आपको और जानकारी चाहिए, आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, जो इंश्योरेंस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के ऊपर मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं। और लास्ट इस सेशन के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं कि ट्राई करो, ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि सामने वाले को भी तो नुकसान होगा, वो भी तो कोर्ट में जाएगा, पुलिस के चक्कर काटेगा। दोनों पार्टी के लिए बेटर यही रहेगा कि बाहर रिजॉल्व हो जाए, इंश्योरेंस कंपनी कुछ पे कर दे और आप दोनों खुशी खुशी अपने घर लौट जाए। तो दोस्तों, अगर व्हीकल इंश्योरेंस से जुड़े हुए आपके कुछ और सवाल है, वो भी आप कमेंट करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। सीखते रहिए, सिखाते रहिए। भारत माता की जय।